To all the aspirants of GATE 2025 who have just started the preparations, because guys, हमारा जो new batch है 2025 के लिए वो दिसंबर से start हो गया था, so I know lot of students are preparing Indian Academy Plus for the 2025. And अभी जो offer चल रहा है 2025 batch के लिए, उसमें भी मुझे पता है बहुत सारे students enroll करने वाले हैं। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का ये सेशन है, ये सेशन जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू, आई एम अंकुर बंसल, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग इंडियन एकेडमी प्लस। एंड गाइज, यहां पर जो मेरी टीम है, मेरी टीम में देवेंद्र पुनिया, मनीष राजपूत एंड सुमित प्रजापति, ये हमारे तीन फैकल्टी मेरे साथ पढ़ाते हैं इन द केमिकल इंजीनियरिंग। सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ाते हैं सो दैट जो बच्चे प्लस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एड्रेस किया जा सके, और कुछ टीचर्स प्लस पर पढ़ाते हैं सो दैट जो बच्चे अब पे करके प्लस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं उन्हें ए गुड क्वालिटी कंटेंट विद शेड्यूल्ड क्लासेस प्रॉपर बैच के हिसाब से सब कुछ प्रोवाइड किया जा सके। Obviously, एक डिफरेंस रहता है YouTube पर पढ़ने में एंड प्लस पर पढ़ने में, तो जो भी स्टूडेंट्स अब प्लस ऑप्ट कर चुके हैं अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, वरी फरी हो जाए अबाउट द कंटेंट। जो कंटेंट उन्हें मिलने वाला है वो इंडिया का बेस्ट कंटेंट होगा, और वैसा कंटेंट आपको इंडिया की किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है। एंड गाइज, जितने ही बच्चे अभी YouTube पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरा एक सजेशन ये है कि अगर किसी तरह से जुगाड़ बिठा के आप अनअकैडमी प्लस में आ सकते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। बिकॉज जो आप यहाँ पर प्लस में सीख जाओगे ना, वो आप वैसे नहीं सीख सकते, बिकॉज देर इज अ बिग डिफरेंस इन द अनअकैडमी प्लस एंड द अदर प्लेटफॉर्म्स। सो गाइज, बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। द subjects that I teach is heat transfer operations, mass transfer operations, mechanical operations, ये सारे आ गए unit operations के अंदर। इसके अलावा instrumentation and process control and plant design economics, ये दोनों subject जो कि आपको help करते हैं एक chemical engineer से process engineer बनने में। और इसके साथ साथ मैं पढ़ाता हूँ chemical technology, जिससे कि आपको overview मिलता है उन सारी industries का जहां पर केमिकल इंजीनियर्स काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ाता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। सो गाइस, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ मैं अनअकैडमी प्लस में डील करता हूं। सो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी प्रिपरेशन बिगिन की है और जो मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं, उन सभी को मैंने अभी हीट ट्रांसफर ऑपरेशन करने के लिए बोला है। वो बच्चे जो मेरे कॉन्टेक्ट में हैं और हीट ट्रांसफर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें तो पता है कि सर ने हीट ट्रांसफर करने को बोला है। बट जो बच्चे जो मेरे कॉन्टेक्ट में भी नहीं आए हैं, मेरे कम्युनिकेशन में नहीं है, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि कम्युनिकेशन में आ जाओ। यू कैन अप्रोच मी ऑन द टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन से आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, और 10 मार्क्स की वेटेज रखता है ये सब्जेक्ट। शुरू में एक महीना आप एक सिंगल सब्जेक्ट के साथ ही कंटिन्यू करो, और एक महीने के बाद फिर रेगुलर बेसिस पे दो सब्जेक्ट के साथ मैं आपको सजेशन दूंगा कंटिन्यू करने के लिए। हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के शुरू में आप दो लेक्चर्स देखो, जब तक कंडक्शन हीट ट्रांसफर फिनिश नहीं हो जाता। जैसे ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर फिनिश हो जाएगा तो आप लेक्चर की संख्या बढ़ाकर 3 कर दोगे। बट 3 लेक्चर्स उस सब्जेक्ट के नहीं, सब्जेक्ट के तो 2 लेक्चर से देखोगे, जो एक्स्ट्रा एक लेक्चर इंक्रीज होगा वो होगा PYQ सीरीज का। तो गाइस, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में PYQ सीरीज भी ले रखी है। तो PYQ सीरीज का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता रहता हूँ, इस वीडियो के नीचे भी उसका लिंक मैं पिन कर दूंगा, और अगर आप मेरे कम्युनिकेशन में हो तो आप मुझसे भी उसका लिंक मांग सकते हो। तो जैसे ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर फिनिश होगा तो 2 लेक्चर जैसे आप हीट ट्रांसफर के कर रहे थे वैसा करते रहना, और 1 लेक्चर कंडक्शन PYQs का आप पैरेलल में देखते रहोगे। अब PYQs लेक्चर में क्या करना है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश होगा,
जब मैं पीवाईक्यू सीरीज ले रहा हूं तो ऑब्वियसली पहले क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को पोज करके, बिकॉज मैंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं दिया है उस सीरीज में, तो आप क्वेश्चन को पोज करके, वीडियो को पोज करके एक बार क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो, और अटेम्प्ट करने के बाद आप फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो जो सोल्यूशन मैंने करवाया है, देन यू विल सी कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, छोटी छोटी बातों पर कैसे ध्यान देना है, और क्या उस क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन और राइट कॉन्सेप्ट है, वो सब आपको पता लगेगा। इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर मैंने ना सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करवाए हैं, बल्कि आपको जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो रिवाइज भी करवाए हैं, सो दैट जो आपने पढ़ा होगा लेक्चर्स के अंदर वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और ऐसी भी कई सारी बातें हैं जो मैंने लेक्चर्स के अंदर नहीं बताई है बट पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कवर की है, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर विल बिकम टू लेंथी। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि बहुत ज्यादा नहीं पूछे गए गेट के अंदर, बट गेट के अंदर उसके क्वेश्चन आए हैं, तो उसको मैंने पीवाईक्यू सीरीज के अंदर कवर किया है। सो जैसे ही कंडक्शन आपका खत्म होता है, दो लेक्चर कन्वेक्शन के, एक लेक्चर पीवाईक्यू सीरीज का फॉर वॉचिंग द पीवाईक्यूज ऑफ कंडक्शन, फिर जैसे ही आपका कन्वेक्शन खत्म होता है, दो लेक्चर हीट एक्सचेंजर के, और पीवाईक्यू सीरीज का एक लेक्चर डेली बेसिस पे चलता रहेगा। तो इस तरह से जब तक पूरा हीट ट्रांसफर आपका फिनिश होगा, पीवाईक्यूज भी साथ साथ पैरेलल में आप इस तरह से करते रहना। सो लाइक दैट हीट ट्रांसफर आपका फिनिश हो जाएगा इन ए स्पैन ऑफ अराउंड 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप कंटिन्यूअस रहते हो तो फिर आपका जल्दी खत्म हो सकता है, बीच बीच में ब्रेक लेते हो, कहीं पे छुट्टी मारते हो, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एंड गाइस, इसके साथ साथ आई नो कि आप अभी कॉलेज में हो, और हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ड्रॉपर है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन दोनों के लिए मेरा ये मैसेज है कि वीक में 2 दिन आप अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करना, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छी बात है क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जाते, वीक में 2 दिन उनकी छुट्टी होती ही है, तो वीक में 2 दिन वो बच्चे, और जो बच्चे फुल टाइम ड्रॉपर्स हैं तो वो बच्चे तो कर ही सकते हैं, वो बच्चे डेली बेसिस पे भी ये काम कर सकते हैं, अभी नहीं बट आने वाले समय में, अभी के लिए वीक में 2 दिन से शुरू करो। तो वीक में 2 दिन आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखना है। सो वीक में 5 डेज आप हीट ट्रांसफर की क्लास देखोगे, और वीक में 2 डेज आप मैथमेटिक्स की क्लास देखोगे, बट मैथमेटिक्स की क्लासेस उस टाइम पे नहीं देखनी जिस टाइम पे हीट ट्रांसफर आप देखते थे, क्योंकि हीट ट्रांसफर के जो लेक्चर्स आप जिस टाइम पे देख रहे हो, उस टाइम पे वीकेंड्स पे या वीक में 2 दिन आपको हीट ट्रांसफर की रिवीजन करनी है, और हीट ट्रांसफर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो क्लास में डिस्कस हुए हैं वो करने हैं, या पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो वीक में 2 दिन पूरी तरह से रिजर्व रखना है हीट ट्रांसफर की रिवीजन, हीट ट्रांसफर की पीवाईक्यू प्रैक्टिस, हीट ट्रांसफर की क्लास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक्स्ट्रा टाइम निकालना है आपको, बिकॉज आपका कॉलेज नहीं है तो आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हो, इस एक्स्ट्रा टाइम के अंदर आपको मैथमेटिक्स के लेक्चर देखने हैं। सो मान लो ये 2 दिन सैटरडे और संडे है, तो आप सैटरडे को 2 लेक्चर मैथमेटिक्स के और संडे को 2 लेक्चर्स मैथमेटिक्स के, मतलब 4-4 घंटे की इन्वेस्टमेंट दोनों दिन पे कर सकते हो अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करके। उस 2 दिनों में आपको हीट के लेक्चर नहीं देखने, हीट का बस आपको रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप 3 लेक्चर्स हीट के देखते थे डेली बेसिस पे और 5 से 6 घंटे आप इन्वेस्ट करते थे, वो 5 से 6 घंटे आप वीकेंड पे आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में इन्वेस्ट करोगे, और एक्स्ट्रा 4 घंटे निकाल के आप मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देखोगे। स्टार्ट करना है आपको मैथमेटिक्स लीनियर अलजेब्रा के साथ और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मेरा एक प्लस कोर्स भी है, कई बच्चों को मैंने वो शेयर भी किया है, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैं उसका लिंक शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा या स्टार्ट नहीं किया और आपको नहीं पता, तो आप मुझसे भी मांग सकते हो, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में भी उसका जो लिंक है वो डाल दूंगा। तो लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ स्टार्ट करना है, और वीक में 2 दिन इस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की कंटिन्यू रखनी है। लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने के बाद फिर आपको उनके पीवाईक्यूज करने हैं, और अगला चैप्टर आपको स्टार्ट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स। हमेशा याद रखना गाइस, चैप्टर खत्म होते ही उसका पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, बिना पीवाईक्यू किए अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करना है, और अगर अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया तो पीवाईक्यू साथ साथ पैरेलल में करने हैं। कई बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो पूरा सब्जेक्ट फिनिश कर लेते हैं बट तब भी पीवाईक्यू नहीं करते। ऐसा करने से आपको कोई एडवांटेज नहीं होने वाला,
कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, मार्क्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। अगर आप सही तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको चैप्टर के साथ साथ ही पीवाईक्यूज करने हैं। जब तक सब्जेक्ट चल रहा है तब तक आपको पीवाईक्यूज उसके पैरेलल में करते रहना है, ताकि सब्जेक्ट फिनिश होने के साथ ही आप पीवाईक्यूज भी फिनिश कर पाओ। और रिवीजन तो मस्ट है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो और बस लेक्चर्स करते जा रहे हो, नोट्स बनाते जा रहे हो, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। आपको रिवीजन करना ही है। ओरल रिवीजन डेली बेसिस पे करो, वीकली रिवीजन वीकेंड बेसिस पे करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीकेंड बेसिस पे करो। तो वीकेंड या वीक में दो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 5 से 6 घंटे सिर्फ उस सब्जेक्ट की रिवीजन में, रिटर्न रिवीजन में और क्वेश्चन प्रैक्टिस में इन्वेस्ट करने वाले हो, इस तरह से ही आप क्वेश्चन उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे। एंड आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे लाइफ सब्जेक्ट की भी वेट कर रहे होंगे। तो गाइज मैं अपना लाइव सब्जेक्ट लेकर आऊंगा गेट एग्जाम के बाद, जो गेट एग्जाम 2024 में है उसके बाद आपको मेरा लाइव सब्जेक्ट मिलेगा। तो लाइव सब्जेक्ट भी आपको जल्दी ही मिलने वाला है। उससे पहले आप ये हीट ट्रांसफर कंप्लीट कर लो, और अगर आपका हीट ट्रांसफर कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे अपडेट दे सकते हो, और फिर मैं आपको अगला सब्जेक्ट उसी हिसाब से गाइड कर दूंगा। ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स और जो बाकी सब्जेक्ट है सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये और थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रोसेस कैलकुलेशन, ये सब्जेक्ट आपको कब करने हैं मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में ही करना शुरू कर देते हैं, तो गाइज होता क्या है कि 1 से 2 महीने आपके चले जाते हैं इनको करने में, और एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट आपके हाथ में कुछ बचता नहीं है। ठीक है, पिछले 3 साल से अनअकैडमी में, पिछले 11 साल से केमिकल इंजीनियरिंग में मैं ट्रेंड देखता आ रहा हूं कि जो बच्चे शुरुआत थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोसेस कैलकुलेशन इनसे करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बाद में प्रॉब्लम आती है। हालांकि प्रोसेस कैलकुलेशन एक बेसिक सब्जेक्ट है, वो किया जा सकता है, बट फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से शुरुआत मेरे मायने में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स बाद में अगर हो जाए, हम इजी सब्जेक्ट करने के बाद जब हमारे हाफ ऑफ द सिलेबस हो गया उसके बाद अगर करे जाए तो ठीक रहता है, बट शुरुआत इनसे करके आपके एंड में हाथ में कुछ बचता नहीं है। बिकॉज ये सब्जेक्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार हम शायद क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, या हमें वो नॉलेज नहीं है जिससे हम गेट में इन क्वेश्चंस को, इन सब्जेक्ट्स को कर पाए। तो शुरुआत हमेशा हीट ट्रांसफर से, मैकेनिकल ऑपरेशन से, प्रोसेस कैलकुलेशन से, आईपीसी के साथ, सीटी के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ, जो आसान सब्जेक्ट इनके साथ कर सकते हो, सीआरई मास ट्रांसफर बाद में कर सकते हो, और एफएम थर्मो लास्ट में कर सकते हो, जिस तरह से आपका पैटर्न परफेक्ट बन जाए। तो इस तरह से गाइडेंस की वीडियो, स्ट्रेटेजिक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगेन जो भी बच्चा भी मेरे कम्युनिकेशन में नहीं है वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है, सो दैट आप सब मेरी मॉनिटरिंग के अंदर रहो। ऑल द बेस्ट गाइस, एंड आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी सून। तब तक जो मैं बता रहा हूँ रिलीजियसली फॉलो करते रहो। हजारों बच्चों का मैं रैंक लेकर आया हूँ। सक्सेस मतलब अंकुर बंसल सर, क्वालिटी कंटेंट मतलब अंकुर बंसल सर, सिलेक्शन मतलब अंकुर बंसल सर, यू विल ऑल्सो गेट सिलेक्टेड, दैट इज माई गारंटी। जस्ट फॉलो 100%, डू नॉट अप्लाई यूर ब्रेन, जस्ट फॉलो। जब एक गाइड है तुम्हें गाइड करने के लिए तो अपना दिमाग लगाना ही क्यों है यार। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी सून, लेट्स क्रैक इट। हेलो गाइस, टू इम्प्रूव योर रैंक, अपना रैंक इम्प्रूव करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपर्ट गाइडेंस की, क्वालिटी कंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो आप में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अनअकैडमी प्लस पर मुझसे नहीं पढ़ा है। एंड गाइस देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस मुझसे पढ़ने में, बाकी फैकल्टी से पढ़ने में, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। और ये आप उन बच्चों से पूछ सकते हो जो अनअकैडमी प्लस पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, या उन्होंने जो नोट्स बनाए होंगे उन नोट्स की हेल्प से भी आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ जाता है कि जब आप एक क्वालिटी एजुकेटर से पढ़ते हो। तो एक्सपीरियंस मैटर्स, एंड आई एम द मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द गेट केमिकल इंजीनियरिंग। और अगर आप अपना सिलेबस कर भी चुके हो तो भी जो गाइस मेरी रैंक इंप्रूवमेंट सीरीज है मैथमेटिक्स की, हीट ट्रांसफर की और मास ट्रांसफर की, वो एक गेम चेंजर होने वाली है। बिकॉज जो कंटेंट मैंने वहां दिया है गाइस, वो कंटेंट बिल्कुल ही अलग प्लेनेट का कंटेंट है। जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा डीप डाइविंग करने का मौका मिलेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर। आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन लेट मी नो
एक बार मैं आपसे बात करूंगा और देखूंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और क्या ऐसे कोर्स है जो आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक को गेट 2024 में इम्प्रूव कर सको। सो लेट मी नो आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन एंड गाइज रिमेंबर टेक द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग द कोड Ankur073। Ankur073 मेरा फैकल्टी कोड है, Ankur073 गाइडेंस कोड है, Ankur073 इज ए गेटवे टू द एक्सपर्ट गाइडेंस। तो Ankur073 कोड अप्लाई करने के बाद जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो लेट मी नो, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से के सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो जिससे कि गेट एग्जाम जो कि 4 फेब को होने वाला है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। सो गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ, ठीक है? तो अभी आप इसको लेकर अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करो, मुझे बताओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन द क्लासेस वेरी सून, लेट्स क्रैक इट।